अब जैसे मुझे कभी कभी ट्रोलिंग होती है ये वो, तो ये ट्रोलिंग होते हैं तुम्हारे काम की वजह से किस क्या या तुम्हारी कॉज की वजह से? कोई फोटो डाल दिया ऐसे तो हाँ कुछ बोल देंगे वो, तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा तुम कौन से गांव से हो, तो कहाँ से मतलब क्या, तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा तुम्हारे गांव में पानी है, स्कूल हाँ है, हेल्थ केयर है, तो ये पहले जाके देखो गांव में है या नहीं है, और नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब दूंगी और तुम्हारे गांव में भी काम करूंगी। ये है कि मैं ना किसी का रोता हुआ चेहरा दिखा के मैं पैसे नहीं मांगना चाहती, मैं चाहती हूँ कि लोगों को लोग ये देखें कि ये काम करने के बाद बच्चे कितने खुश हैं। आई थिंक गांव को एक तरीके से ही देखा गया है कि ये एक तो लेबर बनेंगे या ये इन्होंने फार्मिंग करनी चाहिए, पिकल बनाने चाहिए औरतने, क्यों? ये जो ट्रस्ट पैदा हुआ है इतने सालों का, और आप कभी कभी जो करती हैं काम करती हैं वो बिल्कुल बोल्ड होते हैं। सी, ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। बोल्ड बोल्ड आप यहाँ से बोल रहे हैं, आप जो करती हैं बिल्कुल जी जान से करती हैं, बिल्कुल सोलफुल्ली करती हैं, है ना। वो कैरेक्टर्स बोल्ड होते हैं, कई बार वो सीन्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ से काम करती हैं, तो ये तो मैं समझ गया। मैं मुझे मालूम है, कई लोगों को मालूम है, लेकिन आप जब गांव जाती हो या वो जाती हो, वहाँ पे उन ऐसा नहीं लगता है कि अरे मैडम ये कर रही है? नहीं और ऐसा कभी हुआ है या ऐसा कभी नहीं ऐसा कुछ होता नहीं। है? अब मैं सीक्रेट के बाद तो मतलब मैं गांव में थी, स्कूल बना रही थी, तो मुझे अगर कोई ऐसा पूछ भी ले या कुछ बोल तो भी वो दे तो मैं तो बोलती हूँ तुम डर आए क्यों नहीं, वहां पे काम चल रहा था, तो मैं सबको काम पे लगाती हूँ। मैंने कहा पहले तो काम करो तुम, तो लोगों को सडनली एकदम से लगा कि अरे आप तो एक्टर हो। मैंने कहा कौन क्या है, काम करो पहले स्कूल में। तो मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा पहला काम ये है कि काम करो, तो बाकी की बातें मतलब, तो मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा ये पर्सनल स्पेस है जहाँ पे एक्टिंग ये मेरा पैशन है, नहीं, ये हम तो समझ रहे नहीं मैं हैं। वही बोल रही हूँ मैं कि गाँव में, हाँ, तो मैं हाँ लोगों को भी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, ओके, लगता है ये कि बिल्कुल मैं हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई भी डिपार्टमेंटलाइज दिक्कत किया है, नहीं, नहीं बिल्कुल। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ जब तक मुझे ना लगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे जब तक मुझे ना लगे, क्योंकि ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने हैं, मुझे किस तरह के किरदार करने नहीं करने हैं, और मैं एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही काम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी सीख ही रही हूँ, मुझे भी समझने की अभी मुझे भी अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा इस तरह से इस कम्युनिटी से बात करनी चाहिए, इस कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहिए, इस तरह के किरदार मुझे नहीं करने हैं, या इस तरह का पॉलिटिकल स्पेस मुझे नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि मैं उस तरह से इवॉल्व होना चाहती हूँ, और भाई तो वो मेरा डिसीजन होगा, फेल भी होगी तो मैं होंगी। और अभी जैसे वहाँ के जो गांव के जो पुरुष हैं ना, वो भी आपसे थोड़ा सा वो खाते हैं कि अरे मैडम आ गई, मैडम का एक वो है, आपका एक हाँ वहाँ पर एक वो है। तो ये क्योंकि अदरवाइज इतनी हम कहते हैं ना पुरुष संस्कृति है ना, वो तो गांव में तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये कैसे अचीव कर लिया, ये कैसा हुआ है? ऑब्वियसली ट्रस्ट तो है ही, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों में ये औरत मुझे बताती हाँ है। नहीं पर ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर उनको जब दिखने लगता है कि ये काम कर रही हैं तो वो चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है, और वही है कि काम करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आप क्या करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ ये मिलना चाहिए, मुझे हर वक्त ही नहीं, मुझे मेरे पास 5 लोग हैं ना, मैं वहाँ से शुरू करूँगी, और जब बदलाव होता है ना एक में दो में तीन में, तो लोग देखते हैं, उनको समझ में आता है कि ये हमारे भले के लिए आई है यहाँ पर, ये हमारे लिए खड़ी है, जो ना कि हमारी कोई सगी है, ना इस गांव की है, ना उसको कुछ पैसे मिलने वाले, ये खुद के पैसों से पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हैं, इतने धूप में हमारे साथ खड़ी हैं। तो उनको भी वो एहसास है यार, हमारे गांव के लोग बहुत प्यारे हैं।
बताओ, जो हमको लगता है ना कि झगड़ा है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। मैं बताऊँ, ये इतने प्यारे हैं ना, वो सिर्फ वो होता है ना कि वो एक क्लाइमेट के मारे हैं, काम नहीं है उनके पास, और खेती बाड़ी ठीक तरह से नहीं हो रही है, एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा एक एरिया है जो थोड़े थोड़ा उलझे सा, हुए हाँ, हैं, वही उलझे हुए हैं। अदरवाइज गांव के लोग बहुत ही प्यारे हैं, सिर्फ लेकिन थोड़ा सा वो ये उनको वो वही है ना, इस वजह से थोड़ा सा काम दिया जाए और प्यार से बात करें ना, सब अच्छा तो इस रहता। कार्य से क्या ये उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी कभी कभी सुलझ जाते हैं मैं ओवर द वही बोल रही हूँ ना, ईयर्स, जैसे अभी मैंने कहा कि एक इंसान जब उनके घर फैक्ट्री में वाले काम करते प्रॉब्लम्स। हाँ करते रात को अगर पी के घर जाता है, और वो अगर मारेगा अपने बीवी को, क्योंकि वो उसका दिमाग ऑलरेडी थका हुआ है, वो वैसा जो सिस्टम है ना, हमें कहीं ना कहीं तो उसी सिस्टम पे पूरा काम करना पड़ेगा। मतलब लोग ये बोलते हैं, थोड़ा जब बहुत अचीव हुआ है, काफ़ी मैं काफी भी ट्राई कर रही हूँ, वेरी पर है नाइस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमने काम किया। जैसे अभी मैं वही बोलूँ ना कि मैं ना ऐसे नहीं, एक प्रोजेक्ट नहीं है मेरे लिए कि अच्छा पानी पे काम करती हूँ मैं, या स्कूल पे काम करती हूँ मैं, नहीं, मैं होलिस्टिक स्पेस पे काम करती हूँ मैं। आज ये है कि मैं बहुत बार मुझे राखी बांधती हूँ मैं लोगों को वहाँ पे, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपके ख़ानदान का, मैं हमारे आपके यहाँ का एक हिस्सा घर हूँ, के हिस्से घर हैं। का हिस्सा हूँ मैं, और वो अपना मानते हैं मुझे। तो वो उस तरह का रिलेशनशिप बना है मेरा हर गांव से बना है, कि मैं वो बोलते हैं कि आप हम मेरी बेटी हो करके, या मेरी बहन हो करके, आप हमारी टीचर हो करके, हमारी ये हो। तो उस तरह का मैंने ये किया है जिससे एक अपनापन रहे उनको भी, और उनको भी पता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे उनको। याद है हम लोग जब शूट कर रहे थे सत्य शोधक का, तो कुछ एक यंग लड़के आए थे और वो कुछ स्कूल का डिज़ाइन या कुछ डिस्कस कर रही थी, यू नो, वैनिटी में बैठ के, और फिर मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, तब तो वो क्या था, मतलब वो क्या, मतलब उसको एक वो ही अलग तरीके ढोरकिन से। नाम का एक ये है, ट्राइबल विलेज है, हाँ वो स्कूल बना बना रहे थे हम उस वक्त, ओके तो उसका कुछ जो डिज़ाइन था वो हाँ, दिखाने आए थे मुझे कि तो उसके लिए भी आप बहुत यंग माइंड्स को साथ लेती हूँ, हाँ, एंगेज वही करती हूँ, वही, ताकि वो थोड़ा जो सा जो एक काम करने के इनोवेटिव। लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, ये हाँ कमर्शियल नहीं है, तो इसमें उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जिनका दिल है, जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो गांव में, और फिर आगे अगर कुछ मतलब सी कमर्श ऐसा जो होता है ना, जो मोस्टली आर्किटेक्ट्स वगैरह या ये लोग होते हैं, वो एक उनका एक प्रोफेशनल माइंड से भी चलते हैं बहुत सारे लोग, पर मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो जिनको सही में लगता है कि गांव एक इमारत हो, वो उसमें कितना प्यार होना चाहिए, उसमें कितना सीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बच्चे खेलने में उनको कितना मज़ा आना चाहिए। तो मेरी ढोरकिन की स्कूल देखो, उफ, इतना इतनी मज़ेदार है ना वो, क्या है सिर्फ अलग उसमें। पीले कलर की फ्लोर है इमेजिन, और हाँ उस पे ऐसे उन्होंने बहुत ही सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, जो इतनी मतलब 3 कमरे हैं, पर इतनी सुंदर छोटी सी जगह है, क्योंकि हमारे पास उतनी ही जगह थी, पर आंगन बड़ा किया है हमने, खेलने के लिए बहुत जगह है, पूरी ओपन है, ऐसे कांच है, और बहुत ही क्रिएटिव स्पेस में बनाई है उन्होंने, तो मुझे बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे पढ़ने के लिए। और वही है ना कि ये सब बच्चे जो आधे वक्त तो काम पे जाते थे, मतलब आप 7 साल का बच्चा इमेजिन भीड़ भट्टी पे काम कर रहा है, तो वो बच्चा अभी यहाँ पे खेलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्लास मिस नहीं करना है, जूडो की क्लास के लिए आएगा आएगा, पेंटिंग करेगा ही करेगा, साइंस का गेम होगा तो वो जाएगा ही जाएगा, तो बोलता है घर में कि मैं नहीं जाऊँगा। तो आज बच्चे बोलने लगे हैं कि मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मेरा वाह क्लास है। हमने वही थोड़ा बहुत फिर खाने में भी हमने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए, तो उनको लगता है हाँ ठीक है, मुझे सेब खाने के लिए जाना है। तो अच्छा है कि उस वजह से या वो बच्चा वो प्रिमाइसिस में आता है वहाँ पे, तो किताबें क्यों ना हो, या कुछ गेम्स क्यों ना हो, उस तरह से अलग अलग चीज़ें सीखता है, और एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट एक हो बिलोंगिंग जाती है। होती है, वही है ना। तो भाई एक अगर आप उस वक्त से आप शेप करना शुरू कर दो ना, तो आगे जाके 10th 12th के बाद बच्चे समझ सकते हैं कि उनको क्या करना है। और मैं आज से उनके साथ जुड़ी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा एग्ज़िट होता है गांव से,
मैं हर गांव में, मतलब पांडरी में अभी ऐसा है कि बच्चों से मेरा अभी पूरा ये है कांटेक्ट है, पर मैंने बाकी मेरा सरपंच और बाकी सारे लोग हैं वो अभी जैसे पानी पे उन्होंने काम किया या कुछ स्कूल का कुछ मरम्मत का काम था वो उन्होंने खुद कर लिया। मैंने कहा अब तुम्हारी जिम्मेदारी, मैंने स्कूल बना के दिया, 2 साल के बाद तुम जाओगे, कोई भी कुछ भी होगा तुम करोगे, पानी पे काम है तुम फॉर्म भरोगे, जिला परिषद जाओगे तुम करोगे, तो अभी वो खुद ही कर तो लेते हैं अभी एक सिस्टम सा बन गया है, मतलब सिस्टम, कि ये जो वो लोग आपके तैयार हो नीचे गए एक हैं। डाउन लाइन है, जो आपके सोच से बनी है, जो आपका सोच वहाँ इम्प्लाई करती है, राइट? सो वही दैट इज है कि ब्रिलियंट, हाँ बिकॉज वही है ना देन कि बिकॉज दैट्स माय एग्जिट पॉइंट, क्या ठीक है अब मैं यही जो एनर्जी में है मैं दूसरे गांव में लगाती हूँ, वहां पे लोग टीम लोग बना दूंगी, टीम बना दूंगी, फिर वो टीम जब बननी बनी है अच्छी तो मैं तीसरे गांव जाऊंगी, ऐसा। तो ऐसे ही मेरे अभी तो 30 गांव हैं, वो लोग अलग अलग गांव में जाके वो खुद ही काम करते हैं, तो ऐसा करते करेंगे वो खुद ही काम करेंगे तो मेरी ज़रूरत नहीं होगी, एक दिन मैं फिर कुछ ऐसा और तो हो ही काम नहीं करूँगी, सकता, उनको तो नहीं जरूरत, मेरी ज़रूरत, मतलब मैं तो हमेशा ही रहूँगी, पर बिकॉज एटलीस्ट वो बेसिक थिंग्स यू नो जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी, हेल्थ केयर, आई नो टॉयलेट, ये बेसिक चीज़ें बेसिक हैं यार, चीजें ये तो तो मिलनी चाहिए, होनी दैट ही इज द चाहिए। राइट ऑफ एनी ह्यूमन। वही अब जैसे मुझे कभी कभी ट्रोलिंग होती है ये वो, तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा ठीक है एक बात बताओ कहाँ कौन से गांव से हो, जब ये कुछ ऐसे हाँ, कौन से गांव से हो, तो ये ट्रोलिंग होती है तुम्हारे काम की वजह से, किस क्या, या तुम्हारी कॉज की वजह से क्या? नहीं इन जनरल कभी कभी ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं काम को लेके या किसी जैसे बोल्ड जो हाँ बोल रहे हो तुम ये वो, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है हाँ मतलब जो भी है कोई फोटो डाल दिया ऐसे हाँ कुछ बोल देंगे वो, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा तुम कौन से गांव से हो, तो बोलते ये तो कहाँ से मतलब क्या, तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा तुम्हारे गांव में पानी है, स्कूल है, हेल्थ केयर है, तो ये पहले जाके देखो गांव में है या नहीं है, और नहीं होगा तो मुझे बताना और हम मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब दूंगी और तुम्हारे गांव में भी काम करूंगी, तो मैं काफ़ी लोगों को ऐसे काम पे बिल्कुल, जमीन पे उनको लगाया। लाके हाँ उनको नहीं ज़मीन पे मैंने कहा अपना, यार बहुत ज़्यादा आई इम्पोर्टेंट नो, है क्योंकि आज जो हमारे यहाँ का यूथ जो बट है व्हाट अ ना ब्यूटीफुल वे ऑफ हैंडलिंग ट्रोलिंग है। आई नो हाँ बट क्योंकि ना वो कुछ बोलेंगे मैं कुछ आई बोलूँगी, नो, तो ये इसको हम मुझे उसमें नहीं बिल्कुल देयर जाना, इज नो एनर्जी उसमें मुझे लगता है कि ना। भाई जो जिस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ बताओ क्या है, तुम क्या काम करते हो, कहाँ तक पढ़ाई हुई है, नौकरी का क्या है, तो तुम्हारे नहीं, कई आसपास बार होता लोगों है ने, कि ट्रोलिंग को, ये तो आप डिस्कनेक्ट करो, या यू नो ऐसा कुछ जवाब दो, हाँ बट जिस वही तरह से हाँ आप जो मतलब वो जवाब दे रही हैं, हाँ वो बिल्कुल एक रियलाइजेशन पॉइंट क्या है कर उनके रहे हैं लिए। अभी, मुझे लगता है ना कि ये जो है पूरी मतलब नफरत जो है ना उसे उसे सिर्फ प्यार ही जीत सकता है, बाकी कोई नहीं, तो अगर यार आप ये मतलब ये किताब में पढ़ी नहीं है, सब ये किया है, कमाल। बट वही है यार, आप नफरत को अगर आप भी नफरत करोगे इतना टॉक्सिक हो जाएगा ना वो कि आप, मुझे लगता है कि यार ठीक ही है ना, मतलब इवन काम में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, मुझे लगता है कि अरे ऐसे में मुझे शांति से बोलना पड़ता है अच्छा सुनो ये तुमने गलत किया पर वही है ना कि मुझे लगता है कि हमारा जो वर्ल्ड है अभी उसमें सबसे ज़्यादा काम में हर जगह पे एम्पैथेटिक स्पेस होनी चाहिए, आप एक दूसरे को तभी समझेंगे जब आप दूसरे के शूज़ में भी जाएंगे आप, और वो बहुत ज़रूरी है, और काम में भी जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि हमारे पास ऑफ कोर्स बोलते कि राइटर्स होने चाहिए तो दे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, तो मैंने अभी एक इसमें भी यही बोला, एक पैनल पे भी बोला मैंने कहा अलॉन्ग विथ राइटर्स एंड ऑल वी नीड एम्पथेटिक प्रोड्यूसर्स, वी नीड समवन हु कैन अंडरस्टैंड कि सेट कैसे होना चाहिए, आप अपने एक्टर्स को तो ठीक रख रहे हो पर आप अपने क्रू को कैसे रख रहे हैं, मतलब एक ऐसा कुछ काम कर रही थी मैं जहाँ पर हम बर्फ में काम कर रहे थे, इतना स्नो फॉल हो रहा था ये वो, और हमारे बेचारे वो कॉस्ट्यूम टीम वहाँ कॉस्ट्यूम पेटी पे बैठी है, एंड आई एम लाइक यू नो आई फेल्ट सो बैड कि यार ये गलत है, आप
नींव सबको अच्छी तरह से रखने के लिए आपको एम्पेथेटिक होना ही पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी क्रू का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो वही है कि ये सारी चीज़ें, एक अगर आप एक एम्पेथेटिक पर्सन हो तो ही होगी, तो ही आप अपनी टीम अच्छी तरह से बना सकोगे, आप एक दूसरे के बारे में सोच सकोगे, आप मतलब जैसे कि इवन वक्त पे आना, क्योंकि आपके लिए कोई रुका है ना, या किसी से आप बात कर रहे हो तो एक बेसिक फॉर्मेलिटी है कि प्यारी तरह से आप बात करो एक दूसरे से, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए ये करना, सेंसिटिविटी और थोड़ा सेंसिटिविटी हैज़ टू बी देयर, एम्पैथी हैज या टू बी देयर फॉर बिकॉज़ एवरीवन. आप जिस पे भी काम कर रहे हो वो ह्यूमन इमोशंस है ना, तो आपको अगर मतलब बहुत बार ऐसे देखा है मैंने कि आप बोल तो रहे हो यू नो बी काइंड टू ईच अदर ऑन अ सोशल मीडिया, और आप अगर अपने भाई से अपने घर के काम काम करने वाली आपके आसपास वाले लोगों से अगर आप नहीं करोगे तो क्या ही मतलब है उस सोशल मीडिया के पोस्ट का। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप मीडिया पे मीडिया के लिए करो, आप अगर इम्प्लीमेंट करो तो दिस इंडस्ट्री दिस प्लेस दिस वर्ल्ड विल बी अ रियली अ बेटर प्लेस टू लिव, अदरवाइज हम तो कहीं और डायरेक्शन में ही जाते हैं। तो वही आप खुद से ही ट्राई कर तो रही ये हूँ मैं। जो आपने लेटेस्ट जो वो किया ट्रायल बाय फायर में, जो मदर का एक है जो अपनी, तो ये जो आपकी एम्पथी है, आपका जो वो है, वो शायद इसमें, हाउ डिड यू, बिकॉज इट्स, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट कैरेक्टर यू हैव प्लेड. मैं तो मतलब हुक्ड था व्हेन आई वाज सीइंग योर वर्क. सो ये वहीं से आया या कैसे, और कुछ, आई मीन हाउ डिड यू मीट दम, आई मीन डिड यू मीट द आई पेरेंट्स, मेट डिड यू? देम आफ्टर द शूट, इवन जस्ट बिफोर दी रिलीज, अच्छा. तो हमारी मुलाकात नहीं हुई ना, बात हुई थी ना, मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला कि तुम किताब भी मत पढ़ो, जस्ट फॉलो द स्क्रिप्ट। सो आई ओके एक्चुअली जस्ट फॉलो द स्क्रिप्ट, ओके और मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो था सिर्फ मेरा डायरेक्टर था, जो राइटर भी है इस शो के, प्रशांत नायर। तो हमारी वही बातें हो रही थी कि किस तरह से इसको मुझे ढालना है। नीलम के बस एक दो कुछ वीडियोस थे जो उनके एज वाले थे, मतलब व्हेन शी वाज अराउंड 60, उस वक्त के कुछ वीडियोस थे, इस वजह से मुझे उनका जो यंग एरिया है या उनकी पूरी जो जद्दोजहद है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो आई हैड टू डिज़ाइन दैट स्पेस। सो एक ऐसा किरदार है कि जिसको अगर मैं इंटरनली फील नहीं करूं तो मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा, क्योंकि ये सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि आपकी आंखों में अगर नहीं है तो आप कितना भी स्टेयर करो कैमरा को, आप वो नहीं दे पाओगे, आपके अंदर होना चाहिए वो, आपकी आंखों में होना चाहिए, आपके मतलब इतना वो फीलिंग में होना चाहिए कि ये हो रहा है तुम्हारे साथ। नो, बिकॉज अदरवाइज आप जो कर रही हैं काम, या जो भी आपका जो हाँ एक सोच है कि आप किसी को उभार रही हैं ना, गांव में काम कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है, यहाँ पर यू आर लॉस्ट समबडी एंड यू, दैट मदर इज लॉस्ट एंड देन शी हैज़ टू गेट द जस्टिस फॉर द. या आई नो, सो अभी जैसे किसी ने मुझे ऐसे ही पूछा था एक इंटरव्यू में कि आपको तो बच्चे भी नहीं हैं, तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे की लॉस की वजह से ही मैं वो मतलब कोई कर पाएगा ऐसा, शायद उनको पता नहीं होगा कि आपके इतने मैं वही बच्चे, बोल रही हूँ कि इतने इतने सारे 30 बच्चे गांव हैं। में. वही नहीं, वही है, और हाँ यार मतलब वो है कि आप वो इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए, आप एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और आपको उसकी जान होनी चाहिए, उसका उसमें क्या हो रहा है इसका एहसास होना चाहिए, और वो भी मेरे कहीं ना कहीं तो प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि मैं लोगों से मिलती हूँ तो मुझे उनकी कहानियाँ मुझे दिल को छू जाती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे दर्द होता है, मुझे गुस्सा आता है, और ये नॉर्मल है मेरे लिए, अगर कुछ भी किसी के भी साथ हो रहा है तो मुझे वो फील होता है, वो मेरे किरदारों के साथ भी है जो तो मैं खुद निभाने वाली हूँ, तो वो एक प्रोसेस से गुजरती हूँ मैं, फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल। मतलब बहुत बार ऐसे होता था कि कुछ सीन्स में मुझे ये भी लगता था कि आज इसने क्या खाया होगा, क्योंकि कल ये हुआ है कोर्ट में,
तो आज सुबह अगर मैं दिखाने वाली हूँ तो उसने कल रात को क्या किया होगा, तो मैं ये भी सोचती हूँ। तो वो एक पूरा एक मैं कैरेक्टर को, एंड ये भी था कि वो कैरेक्टर इतना मतलब पूरा लेयर्ड कैरेक्टर था। इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव गॉन थ्रू फॉर अ वुमेन कैरेक्टर। बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर मेल कैरेक्टर्स रिटन इन अ वेरी लेयर्ड वे, बट दिस इज वन विच आई फेल्ट इट्स रिटन सो लेयर्ड, एब्सोल्युटली यू नो। तो आई फील आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी टू पोर्ट्रे दिस वन। बट यू ऑल्सो डिजर्व दैट, बहुत मेहनत की है यार, मुझे आसान कुछ नहीं नहीं, है आप मतलब यू नो इट वाज आई सच अ, नो, मैं मुझे लगता है कि वो आई डोंट नो, आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मुझे उन्होंने कहा था कि हमें ऑडिशन करना है, दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये एक ऐसा है जहाँ पे बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई ए लिस्ट एक्टर्स आएगा, इट्स अ इट्स प्रोटैगनिस्ट रोल एंड करेक्ट नेटफ्लिक्स शो करेक्ट, एंड सच अ इंटरेस्टिंग डायरेक्टर एंड कास्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं पूरी जान डाल, बहुत डर लगता था, बार बार डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा। यही है ना, इतना मेहनत करके आए ना कि ये भी लगता है ना कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये जब तक होता नहीं है, जब तक आता नहीं है, तब तक मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि कुछ किया है मैंने। पर वही है, मुझे बस इतना पता था कि जो भी है उसमें मेहनत करनी है, दिल लगाना है। और मैंने 1 साल तक हमारा शूट चला, बट या आई गेव माई सेल्फ ओवर देयर। नाइस, अमेजिंग। अब ये बताओ कि ये जो आपका गांव का काम है, आपका नभांगण है, आगे क्या मतलब क्या करना है, क्या चाहिए इसको और बड़ा करने के लिए, आपको और गांव में जाने के लिए किस तरह का सिस्टम, किस तरह का सपोर्ट, और क्या आप आगे इसको सोच रही हो ऑन अ बिगर कैनवास? सी ऑफ कोर्स मैंने जब कहा कि मुझे मतलब आई विश एनजीओस थोड़े कम ही हो जाए तो ये अच्छा है, बट बट एनजीओज डोंट सपोर्ट यू। एनजीओस अभी मतलब वही, अभी मैंने मतलब एक वक्त के बाद अभी मैंने अप्रोच किया है लोगों को जो अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे अभी मेरी जो स्कूल्स है, अभी 4-5 जो स्कूल है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी पे वर्कशॉप्स हो, कोई और जैसे साइंटिस्ट आए या मैथमेटिशियन आए या फार्म यू नो एग्रीकल्चर से कोई आए और ये सारे वर्कशॉप ले, क्योंकि वो बच्चे अभी उनको एक जगह मिली है, उनको उनको मैंने अभी एक ऐसा है कि हाँ लोग आते हैं गांव में, कुछ करते हैं वर्कशॉप, उनकी एक आदत हो गई है, लोगों को देखने की, लोगों से कुछ सीखने की आदत हो गई है। तो अभी ऐसे कुछ गांव हैं मेरे, मैं चाहती हूँ कि अभी अलग अलग एनजीओज अगर कुछ काम करते हों तो वो आए वर्कशॉप्स ले उनके साथ, तो मैं उनको गांव दे सकती हूँ कि अच्छा आप एक काम करो, ये एक स्कूल है, ये प्रोविंसेस है, ये लोग हैं, आपको जो ज़रूरत है वहाँ वो कर देंगे, आप बस आओ मेरे गाँव में और काम करो। तो ऐसे मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत सारे लोगों से बात करने की, ऑफकोर्स बिकॉज इट्स अ मराठवाड़ा महाराष्ट्रन स्पेस है और मराठी है, तो मैं ज़्यादातर लोग चाहती हूँ कि अगर मराठी स्पेस से आया तो वो ज़्यादा समझ सकता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। और तो वही मैं भी ढूंढ रही हूँ, अगर तुम्हें भी अगर डेफिनेटली, कोई अगर हो जो यस, अलग इसमें काम करते हैं, जैसे शायद इस पॉडकास्ट से भी बहुत एब्सोल्युटली कुछ या नहीं, वही जैसे निकल मैं आए। अभी एक साइंटिस्ट है वो एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं, तो मैंने कहा यार प्लीज़ मेरे गांव में आओ, मैंने कहा व्हाई नॉट डू अ वर्कशॉप विद द यंग माइंड्स कि आप क्या कर सकते हो एंड व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट, क्या होता है, ये पायलट होते हैं लोग, मैं उनको भी बोलती हूँ कि तुम जाओ मेरे गांव में। एंड यू नो आई थिंक गांव को एक तरीके से ही देखा गया है कि ये एक तो लेबर बनेंगे या ये इन्होंने फार्मिंग करनी चाहिए या यू नो पिकल बनाने चाहिए औरत ने, क्यों औरतें बहुत और भी काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वही काम करें। चलो ये हालांकि भी है, अब मैं सिलाई मशीन यूनिट भी मैं डाल दूंगी, ये कर दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो गांव में औरतें बैठ के काम कर सकती है, वो सीख सकती है। जैसे मैंने कहा ज्वेलरी डिज़ाइन है, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो जो लोग काम करते, कोई सस्टेनेबिलिटी पे काम करे, कोई ऑर्गेनिक चीज़ों पे काम करे, अच्छा कोई ई कॉमर्स पे हैंडल करे, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है
सो उनकी एबिलिटीज थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके उनको और थोड़ा सा हाँ, तो मैं भी बोलूँ स्पेशलाइज. मेरे पास 30 गांव हैं, हाँ तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलेगा कि अच्छा मेरा ज्वेलरी का मैं डिज़ाइन कराता हूँ, तो मैं उनको आके एक वर्कशॉप देता हूँ, उनसे मैं बोलता हूँ कि ये डिज़ाइन करके दो, करो ना, उनको भी कुछ 4 पैसे मिलेंगे, आपको भी हेल्प हो जाएगी, और मैं हूँ उसे कुछ, अगर आप मेरी ज़रूरत है तो मैं उसको और ये कर दूँगी। बट दिस इज़ द विलेज, दिस इज़ द टीम, तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कर सकती हूँ, बट आई नीड दैट कनेक्ट, आई नीड पीपल हु रियली रियली वॉन्ट टू डू समथिंग विद द विलेजेस, हु रियली फील दैट कि गाँव में लोगों के साथ अगर काम करे तो उनका कुछ ये हो। सा उभर आए वो लोग, और अपना हाँ एक हम जिसको कहते हैं ना कि समृद्धि वही होती है कि निचले स्तर में भी थोड़ा सा उभर आए लोग, उसी को भाई प्रॉस्पेरिटी कहते हैं हम, उसी या को वो कहते हैं ना. इट इज़ नॉट जस्ट दैट सिटी पीपल आर डूइंग वेल एंड सिटी पीपल आर डूइंग द बेस्ट, बट जैसे गांव में भी उधर भी वो नहीं आए सब, मतलब सब तरह की भाई, खेती. क्योंकि गांव में काम नहीं है लोगों के पास, इसी वजह से गांव खाली हो रहे हैं। अगर हमने उनको वहां पर काम दिया तो इमेजिन ना, क्यों कोई अपनी बीवी को, माँ को, बूढ़े लोगों को, छोटे से बच्चों को छोड़ के शहर में आएगा जो 14-15 घंटा काम कर रहा है एक कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए, जो गांव में भेजे, क्यों करेगा वो? यहाँ पर ना खाने का ये है, ना पीने का ये है, ना सोने के लिए बिल्कुल जगह है। डिस्कनेक्ट होता तो होगा और गांव में अगर काम दिया जाए तो कितना कुछ बदलेगा। शहरों का भार भी कम हो जाए. नहीं, शहरों का भार ऐसा नहीं, बट वो एक सिस्टम है ना, या नो, बिकॉज वही। ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है ना शहर, हाँ बिकॉज भाई, वो सभी कुछ ठीक हो सकता है, हमें भी लोगों की कीमत होनी चाहिए, हमारे आसपास जो काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा तू नहीं हो तो और भी आ जाएंगे। थोड़ा सा लेबर हमारे, क्यों बाहर के शहरों में लेबर इतना महंगा है, क्यों उनको भी आज उसी इज्जत मिलती है? क्वालिटेटिव लाइफ हो. एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ पे कीमत ही नहीं होती, हमको लगता है कि हाँ लेबर ही लेबर पड़े हैं यहाँ पे। तो इस वजह से वो होना चाहिए एक सिस्टम, और जो भी हो यार, हर एक का वो काम है, वो एक प्रोफेशन है, उसकी इज्जत हम करनी चाहिए। आज भी हमारे यहाँ पे जो एक गिलास बाजू में रख दिया या एक ये कर दिया, ये आज भी लोग बिहेव करते हैं उस तरीके से, शहरों के पढ़े लिखे लोग करते हैं ये। इट्स सच अ बैड थिंग कि यार आप आज भी उसी जनरेशन में हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही पुरानी थी। वो जो सोच है सो वो या है. वही, तो उसको कहीं ना कहीं तो बदलना चाहिए ना। तो इसी वजह से मुझे बहुत लगता है कि गांव बहुत, मतलब हर गांव में, मतलब ये सिर्फ मैं मराठवाड़ा के गांव में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे हर गांव में राज्य के घूमी गांव हूँ, में हर सेम राज्य के गांव को अगर हमने हमने बेसिक चीज़ें दी ना, उससे कनेक्ट कर लिया और वो थोड़ा सा तो अरे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। कह रही हूँ कि सबको ये सोचना चाहिए जिसको कहते हैं कि बिलोंगिंगनेस टू द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द स्टेट और ये वो. मेरे ख्याल से ये सब सोच में भी आए और थोड़ा सा भी वक्त निकालें तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी है, और अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, टाइम हो या या जो भी मॉनिटरली सपोर्ट हो. सो मॉनिटरली हाउ डू यू काइंड ऑफ मैनेज ऑल दिस? आर यू काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट और यू स्टिल काइंड नो, ऑफ? आई एम एवरी टाइम आई एम अच्छा नहीं, मेरी अभी नभांगन नाम से जो नॉन प्रॉफिट है, तो फॉर्चुनेटली अभी वो रजिस्टर्ड हुई है, और एक 12A और 80G जो होता है, जिसके वजह से आप, मैं लोगों को एक टैक्स बेनिफिट का एक सर्टिफिकेट दे सकती हूँ। पर हर वक्त थोड़ा सा फाइट तो होता है, पर जब भी मैं ज़्यादा, जब चीज़ें पैसों की ज़रूरत होती है तभी मैं पोस्ट करती हूँ और कहती हूँ कि ये कर रही हूँ तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए तो मैं काम कर पाऊँगी, या कभी फंड रेज कर लेती हूँ, या कुछ ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं यहाँ वहाँ के, मैं उनको बोल देती हूँ कि अगर आप सपोर्ट कर सके तो अच्छा है। पर फाइट तो है, मतलब और ये है कि मैं ना किसी का रोता हुआ चेहरा दिखा के मैं पैसे नहीं मांगना चाहती, मेरे मैं चाहती हूँ कि लोगों को लोग ये देखें कि
ये काम करने के बाद बच्चे कितने खुश हैं। वॉलेंटरीली लोग आके हाँ मतलब हाँ उसको काम को देखे अपना हाँ एक वही वो वही करें। वही तो मैं मतलब एक जो होता है ना कि बहुत बार लोग ऐसे कुछ दिखाते कि चाहे ये कितना गरीब है, ये सब हो रहा है, मैं नहीं दिखाना चाहता। हाँ ठीक है, ड्राउट है, ये है, पर देखो गांव इकट्ठा हुआ है, आप सपोर्ट करोगे तो और कुछ हो सकता है। तो वही मतलब एनजीओ है, डोनेशन अगर जो लोग देते हैं, मतलब 1 रुपए से लेके मुझे पैसा मिलता है, तो मुझे लगता है कि हर हर एक उसका जो ये मिलता है डोनेशन, वो काम में जाता है। और वही तो सपोर्ट तो ज़रूरी है, अगर मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा काम आंसर कर सकूंगी मैं, या नो बट आई पर थिंक वही यू विल गेट इट। और मेरे ख्याल से ये जो क्या कहते हैं, इट्स वेरी इन्फेक्शियस, क्योंकि ये जो वाइब्स है ना जो आप कह रही हैं, मतलब आप वो एक तरह सोलफुल कह रही हैं आप, तो मेरे ख्याल से देयर मैनी पीपल हु विल बी टच्ड एंड मैनी पीपल हु विल बी एंगेज्ड एंड विल बी अ पार्ट ऑफ दिस या कारवां नहीं, मैं विच वही है ना कि संदीप, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे आपको ज्वाइन करना है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सेलिब्रिटी है ये वो, मैं बोलते कि मुझे बताओ तुम, पर मुझे उनको यही कहना है कि आप भले ही मेरे साथ ना आओ, या आप भले ही मेरे गांव में या मेरे लिए ना काम करो, पर आप बस अपने गांव में एक फ़ोन भी कर लो ना, क्या हो रहा है, आप जहाँ से भी आते हैं, आप, आपके पेरेंट्स या कोई भी जो है, जो जिस भी गांव से आता है, वहाँ पे जस्ट आप देखो कि अच्छा पानी है, टॉयलेट है, स्कूल है, हेल्थ केयर है, काम क्या हो रहा है, वहाँ की यंग क्या काम करते हैं, लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, कितनी लड़कियाँ हैं जो जो बड़ी हो गई है, या क्या है उनके, क्या मतलब उनकी शादी कर देने वाले हैं या क्या करने वाले, कैसा है, ये इतनी कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, अगर आप अपने गांव में जाके, जब भी आप छुट्टियों में भी जाते हो या घूमने भी जाते हो, जहाँ पर भी जाओ, बस इतना भी पूछ लो ना, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर मुझे बता दो कि राजश्री इस गाँव में मैं गया था, उस गाँव में स्कूल नहीं है, मैं जाऊँगी, मैं स्कूल बना दूँगी, पर उतना भी कर दो ना, बहुत हो गया। तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि बस अपने गांव में जाके झांक के देखो क्या हो रहा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा है आपने ये बता दिया, क्योंकि इतना तो कर ही सकते हैं और करना ही वही, चाहिए हाँ हमारे जैसे सब लोगों ने, मतलब जितने भी लोग हैं। आई एम श्योर दिस विल अगेन ग्रो बिग एंड अगेन आई वुड से जिसको हम कहते हैं ना कि वन ऑफ द वेरी वैल्यूएबल सिटीजन, वैसे ही हैं आप, बिकॉज इतना बहुत कम लोग करते हैं, और वो भी इतना सब आपके करियर में पाने के बाद, इतना सब मिल रहा है, उस ग्लैमर से बाहर आके जो भी मिल रहा है उससे बिल्कुल, आई वुड से डिटैच्ड, बट एज यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट एंड देन गिविंग बैक टू व्हाट योर सोल फुल वर्क दैट यू आर डूइंग, आई थिंक दिस इज ग्रेट एंड आई एम सो हैप्पी, द होल टीम इज सो हैप्पी, सो फॉर्चुनेट दैट यू आर हियर एंड यू हैव यू नो टॉक टू योर सोल आउट। अर्शी, नहीं, ऑल द बेस्ट टू थैंक योर यू वर्क ऑल्सो एज एन एक्टर एंड आई वुड से इज अ ब्रिलियंट एक्टर टू वर्क विथ, और थैंक यू, आपका ये सेम। काम बिल्कुल बड़ा हो और इसके आप बहुत सारे लोग जुड़े, अच्छा सारा फंड्स आपके साथ जुड़े ताकि उसको ना और बड़े पैमाने सपोर्ट पे मिल और सारा सके, वो हाँ करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट टू यू थैंक यू फॉर सो ऑल मच, दिस। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू बड़े आम, थैंक चीज़ यू सो मच। तो आइए हम दुआ करते हैं कि राजश्री का ये सोशल वर्क, ये काम बढ़ता जाए, बड़ा होता जाए और लोग उनसे जुड़ते जाएं और एज एन एक्टर भी उनका काम खिलता जाए।